बताओ, वॉइस क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, माइक म्यूटेड नहीं था, नेटवर्क की वजह से वॉइस ही क्लियर नहीं थी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिसने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है और साथ में इंस्टा हैंडल है, जिसने अभी तक इनको फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके जरूर फॉलो कर लो। बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं पे मिलेंगी। देन ये है हमारे करंट के दिसंबर के बैचेस जो अभी चल रहे हैं। ये है हमारा पिलर फॉर्म का ऐप जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही अगर आप 10% का मंजू 10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी आपके आसपास अगर कोर्स परचेस करना चाहता है तो जरूर इसको परचेस करें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मेघा, आपका जो अकाउंट है ना, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी आपको पीडीएफ, आपको मिलेगी आपके ऐप पे मिलेंगी आपको वीडियो। ऐप के अंदर जाके नोट्स के अंदर आपको मिलेगी पीडीएफ सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो पेपर 1 है या वो पेपर 2 है। रुचि गुड्डू ऐड करेगा आपको। कौन से जो पेपर 2 है आपका, वो कौन सा है मेघा? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरेज तक की सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं, परसेंटेज की आज की और कल की एक साथ अब वीडियो जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी साथ साथ। कॉमर्स में हो चुकी है मेघा अपलोड, आप एक बार चेक करो नोट्स के अंदर। ओके, मैं भी बोल देती हूँ, रुचि आप ऐड हो जाओगे, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके ये नंबर आ गया रुचि, इस पे मैसेज कर दो, आप ऐड हो जाओगे ग्रुप में। अब फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है तो जल्दी से पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल बाय 50 मार्क्स।
इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गोट 50% मार्क्स एंड पास बाय 30 मार्क्स। फाइंड द पासिंग मार्क्स। एक छात्र परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 50% अंक मिले और वह 30 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें, पासिंग मार्क्स ज्ञात करें। ओके हेलो। योर नेम इज नॉट क्लियर। इट्स इकर चौधरी और व्हाट? वेलकम टू फिलर फॉर्म। किशन आप मैसेज कर दो जो नंबर अभी गुड्डू ने डाला है, देन ही विल ऐड यू। ओके फर्स्टली टेल मी योर करेक्ट नेम एंड इफ यू डोंट नो हिंदी। Then how should you complete? ये आप सब है ना, अपने नंबर, अपने कांटेक्ट नंबर यहाँ कमेंट सेक्शन में डालने से अच्छा है, गुड्डू अपना नंबर दे चुका है, उसके पास मैसेज कर दो और क्वेश्चन पे ध्यान दो। जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी स्टोर है आपको, ओके। अब टेलीग्राम की बातें बाद में करना, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। दैट्स आवर मैथ ग्रुप। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक छात्र परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। 40% लाने के बाद वो 50 मार्क्स से फेल हो जाता है। वहीं सेकेंड स्टूडेंट 50% मार्क्स ला के 30 मार्क्स से पास हो जाता है। इतना क्लियर है? जल्दी बताओ। अब मेरे को ना कोई भी कमेंट टेलीग्राम या किसी एक्स्ट्रा मैसेज का नहीं चाहिए, सिर्फ जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है ना उसके बारे रिगार्डिंग मेरे को सारे कमेंट्स चाहिए। अब ये सारी बातें अपने लास्ट के 10 मिनट्स में करना या फिर अपना बाद में करना। आगे देखो, अब इस क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। ये देखो, यहां से दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक बन गई ये,
कि 50% लाके वो 30 से पास हो जाता है, पास वाला मतलब पॉजिटिव। 40% लाके वो 50 से फेल हो जाता है, फेल वाला नेगेटिव। अब भी बैकग्राउंड नॉइस है। मेरे आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। किस चीज की आ रही है? ठीक है, अब ये बत ये और बता दो यहाँ तक का। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। उसमें क्या होता था, जो भी नीचे वाली स्टेटमेंट होगी उसके जो सिंबल्स है ना वो चेंज हो जाते थे, प्लस वाली चीजें माइनस में बन जाएंगी और माइनस वाली चीजें प्लस में बन जाएंगी। तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा। तो 50 में से 40 गए 10%, और 30 प्लस 50 ये हो गया 80। अब भी है बट मेरी तरफ से सब क्लियर है। माइक क्लोज से ही लगा रखा है जैसे मैं डेली लगाती हूँ। एक काम करो, ये जिसके फोन में दिक्कत है ना, आप दोबारा एक बार स्टार्ट करके ना दोबारा रिफ्रेश करो और दोबारा क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि जब मैंने अभी अपने फोन में सुना ना क्लियर है वॉइस बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ देखो 10% की वैल्यू आ गई 80। तो हमें निकालने हैं पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए ये देखो, इसने क्या बोला था, 40% मार्क्स लेके वो 50 नंबर से फेल हो जाता है, और यहाँ बोला 50% मार्क्स लेके 30 नंबर से पास हो जाता है। तो हम अगर अपना 40% निकाल लें यहाँ से, तो 10 का 80 एक का हो जाएगा 80/10, और 40 का हो जाएगा, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, ये आ गया 320। तो 320 तो आए हैं 40%। उसमें पास होने के लिए कितने नंबर और जोड़ने पड़ेंगे, 50 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो 50 नंबर से फेल हो रहा था 40% लाने पे। तो अगर 50 नंबर जोड़ दे तो यहाँ बन गए 370, मतलब 370 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। क्लियर है?
वो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। हाँ मेरे को बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ यहाँ देखो मेगा, हमें बोल रखा था एक बच्चा 40% मार्क्स लाता है और वो 50 नंबर से फेल हो जाता है, दूसरा बच्चा 50% मार्क्स लेके आता है और 30 नंबर से पास हो जाता है सेम पेपर में, सेम एग्जाम में, ठीक है? तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे दो स्टेटमेंट बना लेंगे, 50% वाला 30 से पास हो जाता है तो पास वाला बना लेंगे पॉजिटिव, और 40% वाला जिसके 40% आए हैं टोटल वो 50 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जो नीचे वाले स्टेटमेंट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, स्टेटमेंट जो सिंबल्स है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस वाली चीज माइनस में बन जाती है, माइनस वाली चीज प्लस में बन जाती है, जैसे यहाँ पे प्लस में था ये माइनस में बन गई, यहाँ पे माइनस था ये प्लस में बन गई, 50 में से 40 गए 10%, और ये भी 50 का हो गया, 30 का, तो ये आ गया 80%, 10% की वैल्यू हो गई 80। हमें बताने थे पासिंग मार्क्स, तो हम पहले निकाल लेते हैं 40%, जब हमने 40% निकालिए 320 आई, तो हमें पता है 40% लाने पे तो वो 50 नंबर से फेल हो रहा था, मतलब 50 नंबर और चाहिए थे उसे पास होने के लिए, तो हमने 40% में 50 जोड़ दिए, तो ये हमारे पास पासिंग मार्क्स नहीं आ गए कि इतने नंबर से, इतने नंबर आता थे तो उसको पास हो जाता वो। बताओ क्लियर है? मेघा क्लियर है? एंड द वन स्टूडेंट हु इज फ्रॉम जम्मू, वेयर इज शी एंड ही, आई डोंट नो। ओके, वेयर इज ही? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओगे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और जल्दी मेरे को इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। पहले मुझे पासिंग मार्क्स बता दो।
पासिंग मार्क्स कितने आए हैं? एंड पासिंग परसेंटेज? यहाँ से देखो, हाँ जी, यहाँ से देख लो। एक स्टूडेंट 36% मार्क्स लाता है और वो 32 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा 48% मार्क्स लेके आता है और टोटल में 64 मार्क्स से पास हो जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद देखो, अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं। 48% वाला 64 और 36 वाला 32 से साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने से ये आ गया 12% आ गया 32, ठीक है। हम निकाल लेते हैं 36%, तो इसका जब 36 निकालेंगे, 32/12 × 36, नाइन्टी सिक्स नंबर आ गए 36%, और उसको पास होने के लिए कितने नंबर और चाहिए थे? 32, तो 32 और ऐड कर दो इसमें, 128 आ गए। अब हमें क्या निकालनी है? पासिंग परसेंटेज नहीं पूछी है इसमें, तो पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 128 और हमारे 100% की वैल्यू और निकाल लेते हैं हम यहाँ से। में से 36 जाएंगे, कितना आएगा मेरे को ये बताओ। एक सेकंड रुको, यहाँ से इतना ही देखो पहले तुम, पासिंग मार्क्स तक ही देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे 96 होगा, ये मैंने माइनस कर दिया 64 में से 32 को, तो यहाँ से 12 × 1 = 12, 12 × 8 = कितना हो जाएगा? 96, 36 और 96 को मल्टी 36 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 288, और 288 में 32 और ऐड करेंगे, 320 आ जाएंगे पासिंग मार्क्स। आ जाएगा पासिंग मार्क्स।
ये यहाँ हो जाएगा 288, 320 आगे पासिंग मार्क्स। में 64 क्यों ऐड करेंगे, हमने तो 36 वाले से निकाला है। अगर हम 48 से निकालते तो फिर 64 माइनस करते। थर्टी सिक्स परसेंट वाले के साथ कंपेयर किया है तो 36% वाले में के इक्वल तो 32 से फेल हुआ था, तो इसको 32 ही तो ऐड करेंगे। हाँ जी आगे देखते हैं। अब ये देखो 288 मार्क्स थे तो 320 में से 288 के कितना बच गया, 32। 32 अपॉन 288 × 100, 1 सेकेंड रुको, शुरू से देख लो इस क्वेश्चन को। यहाँ देखो 36% मार्क्स आने पे 32 नंबर से फेल हो जाता है और 48% मार्क्स आने पे 64 नंबर से पास हो जाता है। हाँ जी पास परसेंटेज निकालना है। अब देखो हम बनाते हैं अपनी दो स्टेटमेंट जो पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, पास वाला प्लस में और ये माइनस में। स्टेटमेंट सिंबल चेंज होंगे, माइनस प्लस बन जाएगा माइनस में, माइनस बन जाएगा प्लस में। 48 में से 36 का 12% और 64 में से 32 ऐड हो गए, ये बन गया 96। 12% की वैल्यू आ गई 96। इतना क्लियर है? इतना यहां तक का बता दो, क्लियर है सबको? उसके बाद देखो अगर हमसे पासिंग मार्क्स पूछे तो डायरेक्ट 12 के बाद 36% निकाल दो। जब इसका 36% निकालोगे, ये आ गया 288, मतलब उस लड़के के 288 नंबर आए थे और उसको पास होने के लिए 32 नंबर और चाहिए थे क्योंकि वो 32 से फेल हो गया। तो इसको अगर 32 दे दोगे तो मतलब अगर उस लड़के के 320 नंबर आते तो वो पास नहीं हो जाता। बताओ इतना क्लियर है? अब पासिंग परसेंटेज निकालनी है ना, तो या तो डायरेक्ट यहां से निकाल दो कि 12% अगर 96 है तो 32% की वैल्यू निकाल देते हैं। सॉरी उल्टा होगा ये। अगर 96 की वैल्यू 12% है तो 32 की वैल्यू कितनी होगी? 4%। बताओ ये क्लियर है? हमने निकाल दिया कितने परसेंट से वो फेल था, पहले थे 36% से वो फेल था। अगर इसको 4% और मिल जाती तो वो पास हो जाता। तो यहां से आ गई पासिंग परसेंटेज 40%। बताओ अब क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन था ये पिछले वाला, बस तुम कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में।
क्वेश्चन देखो विजिबल है, और जिसके में वॉइस क्लियर नहीं है ना, तो वो एक बार सेशन को लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे यहाँ से वॉइस बिल्कुल क्लियर है, मैं चेक कर चुकी हूँ। वट नो आरती अबाउट क्वेश्चन और अबाउट वॉइस। थर्ड क्वेश्चन देखो विजिबल है, ओके। रुचि एक बार है ना रिकॉर्डेड क्लास में ना इसको दोबारा से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना बिल्कुल वैसे ही है सेम। अगर ऐसे रहा ना तो ऑलरेडी 36 मिनट्स हो चुके हैं, हम अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि आज ये टॉपिक कंप्लीट होके उसके बाद कल मैं डाउट सेशन लूंगी, तो जिसका भी अगर ये सेकंड क्वेश्चन डाउट रह गया है ना, तो कल डाउट सेशन है, उसमें अपना डाउट ले आना, चाहे वो आपके होमवर्क के रिगार्डिंग डाउट है, या वो आपका कोई यूट्यूब क्लास का डाउट है, जितने भी क्लास हमारे आज तक हुई है उसका कोई भी डाउट रहे तो कल लेके आ जाना अपना। अभी जल्दी थर्ड क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं, फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 70% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास होते हैं, तो बताओ दोनों हिंदी और इंग्लिश में कितने परसेंट छात्र पास होंगे। अब यहाँ पे वो नहीं है कि भाई हमें फेल भी दोनों के दे रखे हैं, अगर अलग से हमें फेल हिंदी के दे रखे हैं, अलग से हमें फेल इंग्लिश के दे रखे हैं, और कंबाइन जो बहुत सब्जेक्ट में फेल अगर वो भी दे रखा होता, तो हम अपना वो वाला फॉर्मूला लगा लेते, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज तीनों चीजें अलग अलग दे रखी है, हमें दो चीजें दे रखी हैं फेल की, और एक जो कंबाइन दे रखी है वो दे रखी है पास की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमें, देखो हमें पता है हिंदी में पास है 64%, इंग्लिश में पास है 58, तो कंबाइन कितने फेल हो गए, ये हो गए 122। ठीक है, 122 में से ये कह रहा है 70% दोनों में फेल है, 70% सॉरी दोनों में पास है, तो इसमें से 70% माइनस कर दो, ये आ गए 52%। 52% यहाँ से क्या हो गया, दोनों में फेल आ गए हमारे पास। हमसे पूछा था ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में कितने फेल होंगे, तो 52 का अपोजिट क्या होगा, 48% ये निकल जाएंगे ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये देखो हिंदी में फेल दे रखे थे, हमें डाटा अलग अलग दे रखा है, ये दे रखे हैं फेल फेल, यहां से हम निकाल लेते हैं टोटल फेल। टोटल फेल में से इन दोनों सब्जेक्ट्स के पास को हम माइनस कर लेंगे, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के कंबाइन फेल आ गए। लेकिन हमें चाहिए थे सिर्फ ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, तो जब कंबाइन फेल आ गए तो इसको 100% में से माइनस कर दो, आपके पास ओनली हिंदी एंड इंग्लिश आ जाएगा।
ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ चुकी हूं मैं, मेघा, यही सॉल्यूशन है इसका। यहां देखो, अब मैं डिटेल में बता रही हूँ कि वो 64 कैसे आया और वो कैसे आया, वो देखो एक बार। नहीं, मैं ये समझ गई थी कि ये बेसिक चीज होगी, आपको आती होगी, बट दोबारा देख लो। 36% एग्जाम में थे जो हिंदी में थे, ठीक है? तो यहां से हम निकाल लेते हैं, 36 अगर हिंदी में फेल हैं तो पास कितने होंगे? 64%। वहां पे बस मैं ये चीज जल्दी जल्दी में गलत लिखी थी, ठीक है? उसके बाद हिंदी में जो इंग्लिश में स्टूडेंट कितने फेल हैं? 42% इंग्लिश में। तो पास कितने होंगे? 58%। अब बताओ, अब पता चल गया 64 और 58 कहाँ से आया था। अब यहाँ देखो, 64% थे इंग्लिश में पास, 58% थे, सॉरी 64 थे हिंदी में, 58 थे इंग्लिश में। इन दोनों को ऐड करा, 120%, ये आए टोटल पास दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग। कंबाइन पास हमें दे रखे थे 70%, इसमें से ये निकल गए हमारे पास ओनली पास इन हिंदी एंड इंग्लिश। हमें चाहिए थे ओनली फेल इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ से 100 माइनस 52 कर देंगे, ये आ जाएगा 48%। बस मैं जल्दी जल्दी में ना ये फेल वर्ड यूज कर गई, वहां से आप लोग कंफ्यूज हो गए। अब बताओ, अब क्लियर है? अगर ओनली पास पूछा है तो 52% राइट आंसर, और अगर ओनली फेल पूछा है तो मैंने वो भी बता दिया 48%। वो डिपेंड है क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, वो तो मैंने दोनों बता दिया। अगर ओनली पास पूछा है तो 52% भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली फेल भी बता दिया तो ओनली फेल हो जाएगा 48%। स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लंबी थी और मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई, तो वो चीज मुझे यहाँ से शो नहीं हो रही। चीजें वही हैं, सेम हैं। बस थोड़े लंबे क्वेश्चन की वजह से ना कंफ्यूजन होगी, बाकी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेलो अभिजीत, वी आर, एक सेकेंड, ओके, इट्स अ फर्स्ट क्लास, यस, वी आर डिस्कसिंग परसेंटेज, टुडे इज आवर सेकेंड क्लास ऑफ परसेंटेज। एंड दिस पासिंग एंड फेल, सब जो पास एंड फेल वाले जो ये क्वेश्चंस है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं पेपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है।
ओके वेलकम टू फिलर फॉर्म। यहाँ भी देखो हमारे पास है 55 स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, फेल हैं हिंदी में 55, तो पास हो जाएंगे 45। फेल हैं इंग्लिश में 60%, तो पास हो जाएंगे 40%। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 50% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 50% फेल। फिफ्टी परसेंट दोनों में फेल है, तो हमें बतानी है हाउ मच परसेंट स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से पहले पासिंग वालों का टोटल देख लेते हैं, 45 एंड 40, ये आ गया 85%। तो 85% अगर यहाँ पे 50% फेल हैं तो 50% ही पास होंगे, तो 50 में से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया 35% स्टूडेंट्स जो क्या होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में पास होंगे। ठीक है, फेल अगर बात करूं फेल हो जाएंगे 65%, 100 माइनस 35। और अगर हमसे पूछा जाए ओनली हिंदी, जब हमारे पास वर्ड आ जाए ना ओनली हिंदी, तो हमारा निकल जाएगा जितने फेल हैं और जितनी हमारी फेल की परसेंटेज दोनों में दे रखी है, यहां से निकल आएगी ओनली हिंदी, और ओनली इंग्लिश में भी जितने फेल इंग्लिश में हैं और जितनी हमें परसेंटेज दे रखी है, तो यहां से निकल आएगी ओनली इंग्लिश। ये अगर वहां पे यूज करना जहां पे ओनली वर्ड आए, हाँ जी 35% हो जाएगा और 65 हो जाता अगर हमसे फेल की परसेंटेज पूछी जाती, तो यहाँ पे ही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बिल्कुल, आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन। ये है परसेंटेज का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन में। यहाँ देखो क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 20% एंड थ्राइस ऑफ द डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 30%। उसके बाद जो फ्रैक्शन बन जाती है 24% ऑफ 16/21, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है हमें। तो कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है उसमें स्टेप वाइज स्टेप चलते रहो। इसने क्या बोला कि नंबर है जो न्यूमरेटर है उसका दुगना, तो न्यूमरेटर मान लेते हैं पहले हम एक्स, डिनोमिनेटर मान लेते हैं वाई, इसका न्यूमरेटर का ट्वाइस मतलब दो गुना उसका 20% बढ़ जाता है। मतलब पहले अगर मान लो 100% था, अब कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। 100 का 20% होता है 20, तो 100 प्लस 20 ये हो गया 120%। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर है हमारा वाई, y का थ्राइस मतलब तीन गुना उसका क्या हो गया, 30% कम हो गया। तो मान लो डिनोमिनेटर भी 100 था, 100 का 30% निकालेंगे 30 आएगा, तो 100 माइनस रिड्यूस मतलब होता है कम होना, तो 100 में से 30 गया 70 आ गया, वो बन गया 70%। तो जो फ्रैक्शन बनी ना, फ्रैक्शन बन गई 16/21 का 24%, ये बन गई। अब इसको सोल्व करना है,
परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 3 1 जा 3 4 जा। उसके बाद यहां से देख लेते हैं, ये आ गया 2x into 4, नीचे आ गया y into 7, परसेंट परसेंट इज इक्वल टू 16/21 into, अच्छा परसेंट तो खत्म हो गया था, परसेंट हटा दो अब, 24/100। अब हमें पता है जब अगर हम इज इक्वल टू के इधर है, कुछ नंबर इज इक्वल टू के इधर है और कुछ नंबर इज इक्वल टू के उधर है, तो मैंने यूट्यूब की क्लास में बताया था, तो उसमें क्या होता है, ऊपर के नंबर ऊपर से कटते हैं, नीचे के नंबर नीचे से कटते हैं। यहाँ से काटते हैं 4 1 जा 4 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे 7 1 जा 7 3 जा, यहाँ पे बच गया x/y, यहाँ बच गया 3 1 जा 3 8 जा, और ये 2 से 50, फिर ये 2 से 4 जा 25, 4/25 आ गई हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन। बताओ क्लियर है? जल्दी बताओ क्लियर है? ये था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने अपनी यूट्यूब पे भी किए थे, ये पूछे जाते हैं बार बार, और इनमें कोई लॉजिक, कोई न्यूमेरिक, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा। डायरेक्ट जो भी चीजें बोली हैं, स्टेप वाइज स्टेप सीखते जाओ, करते जाओ, क्वेश्चन आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, मैं करवा रही हूँ दोबारा। पहले अपना न्यूमरेटर मान लो एक्स, डिनोमिनेटर वाली मान लिया वाई, ठीक है? तो न्यूमरेटर को भी मान लो अपना 100% था, डिनोमिनेटर भी हमारा 100% था। तो वो क्या कह रहा है, न्यूमरेटर का दुगना ट्वाइस 20% बढ़ जाता है। पहले 100 था, 100 का 20% निकालोगे, 20 ही निकलेगा, तो 100 + 20 ये हो गया 120%, ठीक है? डिनोमिनेटर हमारा वाई था, वाई का 3 गुना हो गया, थ्राइस हो गया, और वो क्या हो गया, 30% कम हो गया। तो डिनोमिनेटर भी हमारा 100 था, 100 का 30% निकालेंगे, 30 ही बनेगा, और 100 में से 30 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 70%। तो ये है, ये क्या बन गई, जितने भी चेंजेस हुए हैं ना, ये बन गए 16/21 का 24%, जो क्वेश्चन में बोला है। इतना क्वेश्चन में था, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन का जो था वो हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है? अब इसको यहां लिख लो, 2x into 4y into 7 इज इक्वल टू 16/21 into 24/100। अब जब भी इज इक्वल टू के इधर कोई नंबर और उधर भी कोई नंबर और उनको हमें कट करना है, तो जो ऊपर वाले नंबर है वो ऊपर वाले से कटते हैं और नीचे वाले नंबर नीचे वाले से कटते हैं, सिर्फ तब जब बीच में इज इक्वल टू हो। तो यहां से 4 1 जा 4 4 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4, 7 1 जा 7 3 जा 21। अब यहाँ इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू नहीं है, तो ये अपना ऐसे ही कटेगा, या तो टेढ़ा या फिर ऊपर नीचे। तो 3 1 जा 3 8 जा 2 1 जा, ये कट गया 250 से, फिर यहां से 2 4 जा और ये 25। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, वो आ गई 4/25। बताओ क्लियर है? अब बताओ क्लियर है? टुमारो इज योर डाउट सेशन, जिसको भी जो भी डाउट है तीनों टॉपिक में वो लेके आ जाना, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वेडनेसडे से अपना नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ओके, सिक्स क्वेश्चन विजिबल है। हाँ जी प्रिया, कराऊंगी क्वेश्चन और भी करा ही रही हूँ। कल भी अगर डाउट सेशन जल्दी खत्म हुआ तो मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन सिक्स देखो। ए है 120, बी है 150, सी है 100। हमें बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड, पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। तो पहला नंबर कितना है, 120। कंपेयर किससे किया है, जिससे कंपेयर करते हैं वो आता है नीचे। दूसरे नंबर से, दूसरा नंबर कितना है, 150। परसेंटेज में बनाना है तो उसको गुना कर दो 100 से, 0 से 0, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से ये कट गया, ये आ गया 80%। हाँ जी प्रिया, जो कल हम संडे को जो हमारी सैटरडे को जो हमारी यूट्यूब क्लास थी ना, उसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस PYQ थे वो परसेंटेज से ही रिलेटेड थे, वो मैं लेके आई थी आप लोगों के लिए। बिल्कुल 80%, ये भी सिंप्लीफिकेशन के जैसा ही क्वेश्चन मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेवेंथ क्वेश्चन विजिबल है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो। ए दे रखा है हमें 80, बी दे रखा है 60, सी दे रखा है 100। हमें पूछा है हाउ मच परसेंट फर्स्ट नंबर इज लेस देन, अब पूछ लिया कितने प्रतिशत कम और कितने प्रतिशत ज्यादा है थर्ड नंबर से। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है 80, थर्ड नंबर है 100, तो मतलब 20% कम है, लेस है। ठीक है, 20 कम है, किससे कम है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कितना है, 100 गुना में 100, तो 100 से 100 कट गया, 20% आ गया आंसर। बताओ क्लियर है। एट क्वेश्चन देखो। ये सेम क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था PYQ में। दो नंबर हैं, दो संख्याएं, तीसरी संख्याएं से क्रमशः 26% और 5% अधिक हैं, तो दूसरे का पहला नंबर कितना प्रतिशत है। तो फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है। वो PDF आपको वहीं पे मिलेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ हमारी टेक्निकल टीम को जो यूट्यूब हैंडल करती है, तो आपको मिल जाएगी, एक बार चेक करना। उसी दिन हैंडल कर दिया था मैंने, संडे को ही। सैटरडे की भी PDF अपलोड कर दी थी और संडे की भी PDF अपलोड कर दी थी मैंने। ये तो बाकी मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैंने डिलीट नहीं की होगी ना, क्योंकि मैं सेंड करके डिलीट कर देती हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर देती हूँ उनको, डोंट वरी। बिल्कुल मेघा, तो यहाँ देखो, जिन्होंने यूट्यूब क्लास ज्वाइन नहीं की थी, हम मान लेते हैं हमारा जो थर्ड नंबर है वो है 100%। अगर थर्ड नंबर 100% है तो फर्स्ट नंबर उसका 26% ज्यादा है, तो 100 का 26% निकालेंगे, 26 ही आएगा, और 100 + 26 कितना बन गया, 126। फिर हम ये सेकंड नंबर कितना है, 5% ज्यादा है, और अगर 100 का 5% निकालोगे, 5 ही आएगा, तो सेकंड नंबर बन गया हमारा 105, और थर्ड तो हमने अपना मानना ही है 100। अब ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, हमसे पूछा है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड, फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है। तो कंपेयर किया है सेकंड नंबर से वो नीचे, फर्स्ट नंबर 126 गुना में 100, यहां से इनको कट करो, ये इसको 5 से कट कर लो, 5 दुनी 10, 5 5, यहां से 20,
और इसको 21 को इससे कट करोगे आ जाएगा 6 जा पे, और ये आ गया 122, 120%, सॉरी 122 नहीं, ओनली 120%। क्लियर है? ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, विजिबल है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर हैं 40% एंड 46% लेस देन थर्ड नंबर, तो बताओ कितने परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो हम मान लेते हैं हमारा नंबर है 100, थर्ड नंबर ए बी और सी, थर्ड मान लिया 100, तो 100 का 40% निकालेंगे 40 आएगा। अब 40 कम है तो 100 माइनस 40, ए आ गया हमारा 60। उसके बाद सेकेंड नंबर 46% कम है, क्या हो गया अभिजीत, इट्स योर फर्स्ट क्लास एंड हम ऑलरेडी अपना जो बेसिक क्लास है वो डिस्कस कर चुके हैं इसकी, तो अभी ये परसेंटेज के थोड़े हाई क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली सीधा अगर आप फर्स्ट क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप कल से ज्वाइन करना, जब आप नया फ्रेश चीज ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आएगी। अभी आपको ये नहीं पता हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, किसको हम जान किसको हम कंपेयर जो बोल रहे हैं कि कंपेयर करी हुई चीजें नीचे आएंगी वो क्यों ले रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं पता क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज कर चुके हैं। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के बेस हैं, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बिकॉज योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, एंड इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर देन यू कैन नॉट डू हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज। बाकी सबके अगर आंसर आ रहे हैं, मतलब उनको समझ में आ रहा है और उनके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको नहीं आ रहा बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो फर्स्टली यू शुड क्लियर योर बेसिक्स। सेकंड देखो हमारा जो बी है वो 46% कम है, तो 100 का हम 46% निकालेंगे तो वो 46 ही आएगा, और 100 में से 46 माइनस करोगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 54। ठीक है, इतना क्लियर है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि सेकंड नंबर थर्ड फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 6 कम है, तो ऊपर आएगा 6, कंपैरिजन हुआ था फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट नंबर है 60 × 100 और ये आ गया 10%। बिल्कुल मेघा आपका ठीक था, बताओ क्लियर है सबको। अभिजीत अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो सबसे पहले हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें जो जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास हो चुकी है ना पहले उनको देखो, देन आप जो जो लाइव क्लासेस है उसको ज्वाइन करो क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा, ऐसे तो आप कंफ्यूज ही होगे। चाहे आप किसी भी ग्रुप में जाओगे और उसको बीच से ज्वाइन करोगे तो ऐसा ही होगा। यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1 to 2 डे सो दैट न्यू टॉपिक विल बी स्टार्ट एंड फ्रॉम दैट टॉपिक यू हैव टू क्लियर योर बेसिक। बाकी जितने भी हमारे पुराने बच्चे हैं वो सब बताओ, आप सबको क्लियर है? जो नए बच्चे हैं जिन्हों जो जो हमारा कोर्स इन्होंने अभी 1 या 2 दिन में ज्वाइन किया है, तो मैं उन सबको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो देख के आओ, तभी आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आप मैथ को कर पाओगे। नहीं तो फिर आप एक काम करो, आपको अपने आप से बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं देखोगे तो, क्योंकि ऑलरेडी 6 7 क्लासेस हो चुके हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यहाँ से,
मैं आपको बोलती हूं, इन अ स्कूल ईच स्टूडेंट गॉट नंबर ऑफ टॉफीज ऑफ 20%, ठीक है, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। जो आपने कोर्स परचेज किया है ना, उसमें आप क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स की है, पेपर वन में कम्युनिकेशन की है, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस मिलेगी, और पेपर टू की भी मिलेंगी आपको, दोनों की मिलेंगी। आप अपने कोर्स के अंदर जाके, ऐप है जो आपका फिलर फॉर्म, उसमें नोट्स में जाना, नोट्स में आपको पीडीएफ मिलेंगी, और क्लास में जाओगे तो वहां आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। उसके बाद देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल इज 2880, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं एक बार, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करके लाना है। एक स्कूल में ना हर एक बच्चे को 20% टॉफियां मिलती हैं, ठीक है। अगर जो जितनी टोटल टॉफियां बटी हैं पूरे स्कूल में, वो अगर 2880 हैं, ठीक है, तो हमें बताने हैं कितने टोटल स्टूडेंट थे स्कूल में। एक स्कूल के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट को 20% टोटल स्टूडेंट्स की टॉफियां मिलती हैं, और अगर टोटल टॉफियां जितनी बटी हैं स्कूल में वो 2880 हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कुल छात्र कितने हैं स्कूल के अंदर। हिंदी वाले देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चे को जितने स्कूल में टोटल कुल बच्चे हैं उसका 20% ट्रॉफी मिलती है एक बच्चे को। अगर स्कूल में कुल टॉफियां 2880 बटी हैं, तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने हैं स्कूल के अंदर। अब क्लियर है? जितने टोटल स्टूडेंट है ना, मान लो टोटल स्टूडेंट एक्स है, तो इस एक्स का 20% टॉफी मिली है एक बच्चे को, तो हमें बताने हैं टोटल बच्चे। अब क्लियर है सबको क्वेश्चन? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कल बताओगे क्लास के अंदर, और कल हमारा डाउट सेशन है परसेंटेज का और एवरेज का। तो जितने क्वेश्चन है और जो हमने होमवर्क के एवरेज क्वेश्चन भेजे थे, सबका डाउट सेशन है। जो भी क्वेश्चन, जिस भी बच्चे का डाउट है जिस भी क्वेश्चन में, तो वो कल अपना डाउट ले आना। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आऊंगी मैं परसेंटेज के थोड़े से और ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाए। देन हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक वेडनेसडे से। ठीक है, थैंक यू क्लास। क्वेश्चन जरूर करके आना, होमवर्क क्वेश्चन आंसर चेक करूंगी मैं सबका।